तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में आईफा अवार्ड्स का समापन हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं आईफा अवार्ड्स के बारे में, तो इसकी शुरुआत सन 2000 में शुरू किया गया और इसके इसका एक उद्देश्य है कि फिल्म के क्षेत्र में यानी मूवीज के क्षेत्र में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना। और 2000 में ये शुरू किया गया उस समय इसका आयोजन पहली बार लंदन में किया गया था और अभी जब आईफा 2023 संपन्न हुआ तो ये इसका 23वां संस्करण चल रहा था, यानी ये 23rd संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? आबू धाबी में किया गया। यानी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बार जो आईफा हुआ उसका आयोजन कहाँ किया गया? आबू धाबी में संस्करण था, ये 23वां संस्करण था। और इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई? सन 2000 में हुई। लेकिन अगर हम अब बात करते हैं कि इस आईफा अवार्ड में बेस्ट मूवी का जो इनाम था वो किसको गया, तो आप कि अभी हाल ही में दृश्यम 2 लॉन्च हुई है ना, और दृश्यम 2 को इस आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है ना। अगर हम बात करते हैं कि किसे कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया, यानी कौन है जिसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, तो आप यहां देख रहे होंगे ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा मूवी के लिए क्या दिया गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। वही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए दिया गया। यानी आपके लिए ये दोनों फैक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईफा 2023 में किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है ना। तो इसमें बेस्ट एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन है। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट है ना। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं कि कौन है जिसे सबसे अच्छी मूवी डायरेक्ट की है, या बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो उसमें आर माधवन का नाम आता है। आर माधवन ने एक मूवी अभी आपको पता होगा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इन्होंने डायरेक्ट किया था और बहुत ही शानदार मूवी है, इसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। इसमें कुछ ऐसी और छोटी जानकारियां हैं जो यहां पर दिया गया कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मोनी रॉय ब्रह्मास्त्र में, वैसे ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? अनिल कपूर है जुग जुग जियो में, वैसे ही बेस्ट डेब्यू फीमेल कौन है? खुशाली कुमार है और ये धोखा अराउंड द कॉर्नर में है ना। तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारियां हैं जो वैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट आपको हमारे टेलीग्राम के पेज SRDF पर मिल जाएगा। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि बेस्ट सिनेमेटोग्राफी किसको मिला, तो इसमें आएगा गंगूबाई को, और दूसरा बेस्ट कोरियोग्राफी भूल भुलैया 2 को। यानी ये दो मूवी ऐसी हैं जिन्हें ये दोनों अवार्ड और मिले हैं। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हाल ही में किसे जो है सिनेमा में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया गया। ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए कमल हसन को जो है ये अवार्ड दिया गया था है ना। और बेस्ट डेब्यू के लिए अगर बात करते हैं कि बेस्ट डेब्यू किसने किया, तो बाबिल खान और शांतनु महेश्वरी ने है। और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए आप हमारे SRDF के YouTube चैनल से जुड़े और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।